गाइस, स्वागत है आप सभी को प्रेमेश होम प्लान पर। दोस्तों, आज का हमारा जो प्लान आप देख रहे होंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर जूम आउट करके इसका डिजाइनिंग वगैरह दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसकी डिजाइनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रंट जो एलिवेशन है, डिजाइन जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपका इस प्लान पर। 28x43 फीट के अंदर ये मकान है। यहाँ पर आप विंडो का एलिवेशन आप देख रहे होंगे। आपको मैं जूम आउट करके विंडो का एलिवेशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस जगह पर आप देख रहे होंगे फ्रंट साइड की ओर आपको रहेगा गार्डनिंग करने के लिए काफ़ी बड़ा सा स्पेस। आपको यहाँ पर मैं वो भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गार्डनिंग कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद आपको फ्रंट साइड की ओर यहाँ पर से रहेगा मेन एक एंट्री गेट, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ से आप एंट्री करेंगे और इसी प्लान को हम 3D में भी डिस्कस करेंगे। और इस साइड पर जो विंडो है कुछ उसका एलिवेशन कुछ इस तरीके से आने वाला है। और इसकी टॉप व्यू की अगर बात करें दोस्तों, तो टॉप व्यू कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो दोस्तों, यही था फुल ये प्लान के फोटो, फ्रंट एलिवेशन की डिज़ाइन। अभी चलते हैं इसके 3D पर। 3D पर हम आ चुके हैं दोस्तों। तो 3D पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको इसका बैक साइड का इस साइड की ओर लुक और एक साइड का लुक आपको मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से आने वाला है। फ्रंट साइड का जो लुक था वो आपने देख ही लिया होगा अभी जो हमने एक फोटो दिखाया हुआ था। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा सा गार्डनिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। गार्डनिंग स्पेस जो टोटल हमने इस घर को बनाने में जो स्पेस लिया हुआ है, जो जमीन यानी कि जो प्लॉट का साइज हमने लिया हुआ है, वह 28x43 फीट के अंदर। और ये गांव के सब्सक्राइबर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया हुआ है। और उनका जो प्लॉट था वो चारों साइड से ओपन था, इसलिए हमने साइड पर भी विंडो दिया हुआ है ताकि वेंटिलेशन में कोई दिक्कत ना हो और घर का लुक जो है दोस्तों वो काफ़ी बढ़िया सा लगे। 28x43 फीट के अंदर गाँव के लिए इंडियन स्टाइल पर हमने ये घर का नक्शा बनाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप कहीं से भी आएंगे यहाँ पर रहेगा काफ़ी बड़ा सा एक रास्ता टाइप का स्पेस। और इस साइड की ओर दोनों साइड पर रहेगा गार्डनिंग करने के लिए स्पेस। ये जो गार्डनिंग और ये हमने चलने के लिए स्पेस दिया हुआ है, ये टोटल जो हमने लिया हुआ है वह हमने जो स्पेस हमने लिया हुआ है वे लिया हुआ है ऐसे में 28 फीट और ऐसे में 9 फीट। 28x9 फीट के अंदर हमने ये स्पेस दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर गार्डनिंग का। उसके बाद आपको यहाँ से मेन एंट्री जो गेट रहेगा यहाँ से रहेगा स्टेयर केस के नीचे से, यानी कि जीने के नीचे से। और इसके प्लानिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो प्लानिंग में आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से इसका प्लान आने वाला है। ये जो स्टेयर केस हमने चढ़ाया हुआ है, नीचे से हमने जो स्पेस लिया हुआ है वो 8 फीट चौड़ाई में, यानी 4 फीट का जो आपका स्टेयर केस का चौड़ाई रहेगा, 4 फीट 4 फीट 8 फीट के अंदर हमने 8 फीट का टोटल स्टेयर केस के लिए यहाँ पर जगह लिया हुआ है। ये गेट जो है वो 8 फीट चौड़ाई में रहेगा। उसके बाद आपको इसी जो स्पेस था 12x8 फीट का हमने स्टेयर केस यानी कि जीना चढ़ाने के लिए स्पेस लिया हुआ है। और यहाँ से आप एंट्री करके जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको स्टेप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप इसी स्टेप से होकर जाएंगे तो यहाँ पर छोटा सा गैलरी टाइप का स्पेस आएगा। आपको यहीं से एक डुअर इस साइड की ओर देखने को मिलेगा और एक डुअर यहाँ से देखने को मिलेगा। ये वाला डुअर से आप एंट्री करके दोस्तों अंदर की ओर जाते हैं तो आप पहुँचेंगे यहाँ पर, ये जो फ्रंट साइड की ओर ये जो रूम आप देख रहे होंगे इस रूम पर पहुँचेंगे। इस रूम का साइज़ की अगर बात करें तो 10x12 फीट के अंदर आएगा। ये एक गेस्ट रूम, आप अपना गेस्ट वगैरह यहाँ पर स्टे करा पाएंगे। ये रहेगा 10x12 फीट के अंदर एक छोटा सा गेस्ट रूम। उसके बाद आपको जो यहाँ से एक एंट्री डोर देखने को मिल रहा था, आप उसी डोर से मेन एंट्री डोर से ये वाला डोर से एंट्री करके जाते दोस्तों तो आप पहुँचेंगे इस जगह पर। ये रहेगा आपका काफ़ी बड़ा सा एक हॉल रूम जिसका साइज़ आने वाला है 16x13 फीट के अंदर, यानी यहाँ से लेकर ये वॉल से लेकर यहाँ तक है आपका 16 फीट और इससे में यहाँ से लेकर यहाँ तक है 13 फीट। 16x13 फीट के अंदर डाइनिंग कम हॉल आएगा ये। उसके बाद आपको यही से इसी हॉल से बैक साइड की ओर यहाँ पर एक डोर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाते दोस्तों तो ये रहेगा एक किचन एरिया, किचन रूम जिसका साइज आने वाला है 12x9 फीट के अंदर। उसके बाद जो डाइनिंग कम हॉल रूम था उससे ठीक फ्रंट साइड की ओर यहाँ पर और एक डोर आपको देखने को मिल रहेगा जिससे एंट्री करके जाते हैं फ्रंट साइड की ओर इस दूसरे कॉर्नर पर, यानी जो गेस्ट रूम था उसके दूसरे ठीक साइड पर यहाँ पर ये रूम पर आप पहुँचेंगे। ये रूम का भी साइज सेम है, 12x10x12 फीट के अंदर आएगा ये एक छोटा सा रूम। उसके बाद आपको जो डाइनिंग कम हॉल था उससे ठीक आगे की ओर यहाँ पर और एक डोर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाते दोस्तों तो आप पहुँचेंगे यहाँ पर। ये वाला डोर से आप एंट्री करके जाते तो यहाँ पर आप पहुँचेंगे, ये रहेगा आपके सामने एक छोटा सा मास्टर बेडरूम जिसका साइज आने वाला है दोस्तों 12x13 फीट के अंदर। और इसी मास्टर बेडरूम से अंदर से आपको यहाँ पर एक डोर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाएंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। ये रहेगा आपके सामने एक वाशरूम इस मास्टर बेडरूम के साथ अटैच में। वाशरूम का साइज की अगर बात करें तो 6 फीट चौड़ाई में और 9 फीट लंबाई में आएगा, 6x9 फीट के अंदर आएगा आपका ये एक वाशरूम। उसके बाद आपको जो किचन था और जो हॉल रूम था उससे बैक साइड की ओर आपको एक 4 फीट चौड़ाई पर गैलरी भी देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाएंगे आप तो बैक साइड की ओर एक डोर आपको देखने को मिलेगा जहां पर से आप बैक साइड की ओर से बाहर के लिए जा पाएंगे। और यहां पर इसी गैलरी से यहां पर एक डोर देखने को मिलेगा। ये वाला डोर से आप एंट्री करके जाते हैं दोस्तों
तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे, ये रहेगा आपके सामने 6 फीट चौड़ाई में 9 फीट लंबाई में एक छोटा सा टॉयलेट एरिया या लेट बाथ आप यहाँ पर कर पाएंगे। और जो आप बाहरी साइड से स्टेयर केस यानी कि जीना देख रहे थे, आप उसी जीने यानी स्टेयर केस से होते हुए ऊपर की ओर जाते हैं तो आप पहुँचेंगे इसके टॉप पर। यहाँ पर फिर ये वाला डोर जो आप देख रहे होंगे, इससे एग्जिट होकर ऊपर आप टेरेस यानी कि रूफ पर टॉप पर आ पाएंगे। तो दोस्तों यही था आज का हमारा सिंपल सा छोटा सा प्लान। और इस घर को बनाने में लागत की अगर बात करें तो लागत करीब आपको लगेगा 6 से 8 लाख रुपए तक, 8 से 10 लाख रुपए तक लागत लग सकता है। ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया पर बनाते। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेमेश होम प्लान।